तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो पिटूनिया की केयर और फर्टिलाइज़र कौन सा हम दें जिससे हम इतनी हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। आप देख सकते हो कि इस पौधे में, मेरे इन दोनों पौधों में बिल्कुल आपको पत्तियां नज़र ही नहीं आ रही होंगी, सिर्फ फूल ही फूल पूरे में भरे हुए हैं। इतनी हैवी फ्लावरिंग के लिए मैंने कैसे इसको ग्रो किया है स्टार्टिंग से मैं आपको बता रही हूँ। तो शॉपिंग वाली वीडियो तो आप लोग देखते ही होंगे जो भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। मैंने छोटी वाली सीडलिंग्स ली थी, कलर मुझे पता नहीं था कि ये दो रेड निकल गए हैं और एक ये वाला है इस तरीके से शेड वाला, ये एक निकला है। बाकी ज़्यादा मैंने प्लांट्स इस बार बाय नहीं किए थे, तो मैंने छोटी वाली सीडलिंग बाय की थी, 7 रुपीज़ की मुझे मिली थी। और मैंने एक ही पॉट में एक ही सीडलिंग लगाई है, एक पॉट में एक सीडलिंग लगाई है सिर्फ और सिर्फ। और ये पॉट का साइज़ भी आप देख सकते हो, ये छोटा सा पॉट है, ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं है। ये मेरे ख्याल से 8 इंच का पॉट है, 10 इंच का भी ये पॉट नहीं है। और ये 8 इंच के पॉट में आप देख सकते हो कि कितनी हैवी फ्लावरिंग हुई है। तो जो कुछ टिप्स हैं बहुत ही बेसिक सी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। टिप नंबर 1 ये है कि आप जो भी, जब भी पिटूनिया ग्रो कर रहे हो या कोई भी विंटर फ्लावर प्लांट ग्रो कर रहे हो, तो स्पेशली पिटूनिया के लिए मैं बोलूँगी, क्योंकि ये जो है इसको चौड़ान वाला पॉट पसंद है जिसका डाया बड़ा हो, क्योंकि ऐसे पूरा फैल जाता है। तो एक बड़े डाय का पॉट ले जिसकी डेप्थ भले कम हो लेकिन डाया उसका बड़ा होना चाहिए। टिप नंबर 2 यहाँ पर आती है कि जब हमारे प्लांट को हम लोग ग्रो करते हैं उस टाइम में हमें सिंगल सुपर फॉस्फेट देना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट बहुत अच्छा रहता है, ग्रोथ प्रमोटर होता है, प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। आप ये भी, ये वाला प्लांट देख रहे हो, ये थोड़ा सा छोटा था उस टाइम में जब मैंने बाय किया था, बट इसमें भी इसी तरीके से फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो गई जिस तरीके से इनमें हुई है। ये वाले दोनों प्लांट थोड़े से सीडलिंग्स इनके बड़े थे, तो ये ग्रोथ प्रमोटर होता है सिंगल सुपर फॉस्फेट, तो ये आपको देना है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग। और जो सॉइल है उसमें आप अच्छे अमाउंट में कॉम्पोस्ट मिलाएं, सॉफ्ट सॉइल एकदम बनाएं, जितनी भी आप सॉफ्ट बना सकते हो, मतलब राइसस वगैरह मिला के। टिप नंबर 3 कि जब हमारे प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाए तब हमको प्लांट को सिंगल सुपर फॉस्फेट या नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देना है। उस टाइम में हमें सिर्फ और सिर्फ पोटाश देना है, और या फिर आप अगर ऑर्गेनिक देना चाहते हो, जैसे बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक ही प्रेफर करते हैं, वो सिर्फ मस्टर्ड के एक लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। बट आपको मैं बता रही हूँ कि जो मैंने, जिससे मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, वो सिर्फ 2 ही फर्टिलाइज़र हैं, जो ग्रोथ प्रमोटर वो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, और दूसरा जो है फ्लावरिंग बूस्टर जो है वो है पोटाश। फ्लावरिंग के टाइम में आपको सिर्फ पोटाश देना है, उसके अलावा कुछ भी और नहीं देना है। और ये जो काम आपको करना है ये 10 दिन में एक बार रिपीट करना है। 10 दिन में एक बार आप इसको पोटाश दोगे लिक्विड फॉर्म में, पानी में डाइल्यूट करके पोटाश को दोगे, बहुत आराम से वाटर सॉल्युबल होता है, किसी भी एग्रीकल्चर शॉप में आपको मिल जाता है। टिप नंबर 3 कि आपको पिंचिंग करते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सीड्स बनाने लगते हैं इस टाइम में, तो जो भी स्पैन फ्लावर्स हो जाते हैं उनको आपको रिमूव करते चलना है। फिलहाल के लिए आप इनको रिमूव करते चलो, थोड़ा और जब मौसम बढ़ेगा तो हम इसे सीड बनने के लिए छोड़ देंगे। जब हमें लगेगा कि हमें अब प्लांट से फ्लावरिंग और नहीं लेनी है, तब हम फिर इसे सीड बनने के लिए छोड़ देंगे। बट अभी हमारी प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग चल रही है, तो हमें इस तरीके से जो भी स्पैन फ्लावर्स हैं उनको हटाते चलना है। उससे क्या होगा, न्यू ग्रोथ आएगी, जहाँ से हम पिंच करते हैं वहाँ से नई नई ग्रोथ आएगी और ज़्यादा बर्ड्स आएंगे और ज़्यादा फ्लावरिंग हमें देखने में प्लांट पर मिलेगी। फिर टिप नंबर 4, रोज वाटरिंग करनी है। अब धूप बहुत तेज़ हो गई है, अब हमें एक दिन छोड़ के पानी नहीं देना है, क्योंकि हमारे प्लांट का पॉट का साइज़ भी छोटा है, तो हमें रोज़ वाटरिंग करनी है। रोज मतलब खूब सारी वाटरिंग, खूब सारी फ्लावरिंग होगी, खूब अच्छे से। जब प्लांट फ्लावरिंग करने लगता है उसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो आपको इस टाइम वाटरिंग का ध्यान रखना है। और प्लांट में कभी भी सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए, हमेशा इसमें मॉइस्चर रहना चाहिए, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और आप देख सकते हो कि ये मेरा जो गार्डन है 4th फ्लोर पर है, तभी इसमें फ्रेशनेस मेंटेन है। रीज़न यही है कि मैं रोज़ इनमें अब वाटरिंग कर रही हूँ। और लास्ट स्टेप ये है कि आपको इसे फुल सनलाइट में रखना है। कोई भी पेस्ट का अटैक आपको बिल्कुल होता हुआ इस टाइम नहीं नज़र आएगा, बहुत बढ़िया आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी। आप बस इतना काम करो, खूब अच्छे से पानी दो और खूब अच्छे से इसको धूप में रखो। कोई भी पेस्ट का अटैक कुछ भी आपको होता हुआ नज़र आएगा नहीं, और बस पोटाश आप 10 दिन के गैप पर एक बार पोटाश इस प्लांट को जरूर देते। ये इसी प्लांट के लिए नहीं है, सभी जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं
विंटर वाले, उन सभी को आप पोटाश दीजिए, खूब अच्छे से वाटरिंग करिए, खूब अच्छी फ्लावरिंग आपको देखने में मिले। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ किसी और नए टॉपिक पर।